पहले अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से है। 2023 के चुनाव में बीजेपी एक्टिव मोड में है। कार्य समिति की बैठक आज दूसरा दिन है। आज भी एमपी के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। फीडबैक लेकर रोड मैप तैयार करेगी बीजेपी। हारी हुई सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस है। केंद्र और राज्य सरकार की योजना पर चर्चा होगी। २०२३ के चुनाव के लिए सारी पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है और तैयारियां और बैठकों का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। आगामी रणनीति के लिए चर्चाएं लगातार हो रही हैं। किस तरीके की रणनीति जो है रहना है, चाहे कांग्रेस की बात की जाए या फिर बीजेपी की, रणनीति भी तैयार हो रही है। बैठकें भी लगातार जारी हो रही हैं। उन बैठकों में जो है कार्यकर्ताओं पर भी पूरा फोकस है कि अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कैसे रखा जाए। ज्यादा जानकारी के साथ रिजवान लगातार बने हुए हैं। रिजवान, 2023 के चुनाव में बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है अब। हालांकि ये तैयारियां जो है काफी पहले से हैं, लेकिन अब इन तैयारियों में और ज्यादा तेजी, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर और आगामी रणनीति पर चर्चाओं का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए पूनम, आमतौर पर हम ये देख रहे थे राजधानी भोपाल में भी लगातार जो है बैठकें हो रही थी चुनाव को लेकर। 2023 के दो दिन की जो है ये बैठक है राष्ट्रीय कार्य समिति की, और दिल्ली में ये बैठक हो रही है। आज बैठक का ये दूसरा दिन है। इसमें तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है इसमें शामिल होंगे। हालांकि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल हुए थे और बीजेपी उनके साथ कई बड़े जो नेता हैं संगठन के, वो इसमें शामिल हुए थे। 2023 में किस तरीके से चुनाव को जीता जाए उस पर जो है इस बैठक में जो रणनीति बन रही है। हालांकि जो फीडबैक है वो इस बैठक में लिया जा रहा है कि किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह से केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं जो है वो जनता तक पहुंचाई जा रही हैं और उनका जो है किस तरह से लाभ मिल रहा है, पूरा फीडबैक जो है इस बैठक में लिया जा रहा है। उसी के रोड में तैयार करके जो है 23 के विधानसभा चुनाव की जो है तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि जो कार्यकर्ता को जोड़ने की बात है वो लगातार पहले भी की जा रही थी कि जो छोटे स्तर पर जो कार्यकर्ता है, जो छोटे छोटे जिलों में, छोटे छोटे गाँव में जो कार्यकर्ता है उनको जोड़ा जाए, ताकि जो सरकार की तरफ जो है लोगों का वो है ध्यान बढ़े और एक बड़ा वोट बैंक जो है बनकर तैयार हो, और जो ये योजनाएं हैं वो जो जनता तक नहीं पहुंच रही हैं उन योजनाओं को किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए, इस पे भी चर्चा जो है इस बैठक में की जा रही है। तमाम जो जो जीतने के लिए जो जिस तरीके से लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं, उसी का जो है एक बैठक जो है एक आयोजित यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। दो दिवसीय जो ये बैठक है और आज इसका दूसरा दिन है। जी बिल्कुल, आज उसका दूसरा दिन है। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और लगातार जो है इसको लेकर चर्चा हो रही है। विधानसभा चुनाव किस तरीके से जो है रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से जीत हासिल कर सके, और आगामी लोकसभा जो है 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं तो उसकी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बने रहिए अगर रिजवान, आप हमारे साथ, में लौटेंगे आपके पास।